ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं एक जगह, हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर हैं और बिहार यात्रा के दौरान कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। अखबारों में विज्ञापन पर हो रहे खर्च को लेकर निशाना साधा है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, बंद कमरे में बैठक हो रही है, कार्यकर्ताओं की दिल की बातें सुन रहे हैं, लेकिन अचानक तेजस्वी यादव की नजर पड़ती है स्पेशल ब्रांच के दो अधिकारियों पर, जो नीतीश कुमार के इशारे पर तेजस्वी यादव की जासूसी कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें तो लगा पत्रकार है, लेकिन नीतीश कुमार अब इस हद तक गिर गए हैं कि वो हमारी जासूसी करा रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए पहले। और ताजुब है कि आज हम लोगों ने अखबार देखा, ये हमको लगता कि पूरे बिहार में ही छपा होगा, ये पूरे बिहार में छपा होगा। ये अखबार का विज्ञापन अगर गौर से अगर आप लोग देखें तो इसमें है अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से नहीं है और ना ही दल के तरफ से है, ये दल के तरफ से नहीं है। निवेदक कौन है इसका अता पता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा सभी मंत्रियों का फोटो है, सभी मंत्री जो है इनका फोटो है, यानी निवेदक कौन है इसका। ये सरासर एक विज्ञापन में कितना खर्च होता है, ये फुल पेज का विज्ञापन पूरे बिहार में छप रहा है। ये साफ तय है कि भ्रष्टाचार के पैसों से मंत्रियों द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है। अगर पार्टी की तरफ से छपा होता तो प्रदेश अध्यक्ष का भी फोटो होता, लेकिन उसमें फोटो गायब है, नदारद है। तो ये जो भ्रष्टाचार जो विभागों में जो चल रहा है, और जिन बिना निवेदक के अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही है, तो भाई ये क्या खेल है। ये साफ तौर पे दिखाता है, दर्शाता है कि एकदम ये जो है भ्रष्टाचार की भेंट जो है ये चल रहा है। इससे पहले कभी भी हम लोगों ने ऐसा विज्ञापन नहीं देखा। जहां देखते हैं कुछ लोग जो है ये लोग छपवा तो ना पीआरडी डिपार्टमेंट का है। और ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं एक जगह, हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी, और हम लोगों को लगा कि पत्रकार है, क्योंकि इंटरनल पार्टी की बैठक होती है तो उसमें फोटो तो लेना होता, लेकर के फिर जो है बाहर चले जाते हैं पत्रकार लोग, क्योंकि पार्टी की इंटरनल बैठक है। लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। कार्ड उन्होंने दिखाया बाकायदा। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम जो है चल रहा है, नजर रखी जा रही है। इतना ही नजर अपराधियों पर रख देते मुख्यमंत्री जी तो आज बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही बेहतरीन होता। मुख्यमंत्री जी का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, गृह मंत्रालय उनके पास है, उनके अधीन है। कहीं भी कुछ भी घटना होती है मुख्यमंत्री कभी भी नहीं जाते, कभी भी नहीं पहुंचते, चाहे कितनी सी भी बड़ी घटनाएं हो जाए। और ये जो विज्ञापन जो है, जितना पुल पुलिया गिरा है, मेगा पुल गिरा है, जो भ्रष्टाचार का जो खेल हुआ है, ये सब उसी की भेंट है। पेपर जो लीक हुआ है, जो जदयू के लोग पकड़े गए पेपर
नीट पेपर वाले में भी। शराबबंदी में जदयू के ब्लॉक के अध्यक्ष पकड़े जाते हैं, जुआ वाले में जदयू के अध्यक्ष पकड़े जाते हैं, ये सब पैसा वही से आ रहा है जिसका विज्ञापन जो है छपाया जाता है। तो देश की जनता तो देख ही रही है, बिहार की जनता भी देख रही है कि क्या खेल जो है बिहार में चल रहा है। तो हम लोग पूरी तरीके से कमिटेड हैं और आज पटना में राजभवन मार्च भी हो रहा है बढ़ते अपराध को लेकर के। तो पार्टी हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग सब लोग जनता के जो इश्यूज हैं उसको हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार जो है संज्ञान ले मामलों की और कुछ तो कंट्रोल करे। ऐसा लगता है कि बिहार को जो है एकदम पूरी तरीके से छोड़ दिया गया। तो नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव ने स्पेशल ब्रांच के दो अधिकारियों को जासूसी करते धर लिया है। देखिए तेजस्वी यादव ने कहा कि उन लोगों ने तो बकायदा कार्ड तक दिखाया कि सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या डर गए हैं तेजस्वी यादव से? क्या ये कार्यकर्ता संवाद यात्रा नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर डरा रही है? फिलहाल आप वीडियो बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।